हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज लाई हूँ एक क्रीमी आइसक्रीम, और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये हमने बिस्कुट से बनाई है और खाने में जितनी टेस्टी है ये बनाने में एकदम आसान है। तो आइए आज हम इसे बनाते हैं, बिस्कुट वाली आइसक्रीम। एक कप हमने ठंडा दूध लिया है, 2 चम्मच चीनी ली है, चीनी आप 3 चम्मच भी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा तेज मीठा पसंद है। 1 चम्मच इसमें हमने बॉर्नविटा लिया है, बॉर्नविटा ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपको आइसक्रीम ज्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप रहने भी दें। और 1/2 कप हमने मलाई लिया है, मलाई ये एक दिन की ताजी है बिल्कुल। और हमने जो बिस्कुट इस्तेमाल किया है इसमें वो है गुड डे बिस्किट, गुड डे बिस्किट चोको चिप वाला। और अगर आपके पास दूसरा कोई बिस्किट है हाइड एंड सीक तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल रहे हैं, इसमें जो हमने 2 चम्मच चीनी लिया था अब वो हम इसमें डाल रहे हैं बिस्कुट में, और अब हम इसे एक बार मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने अपना बिस्कुट को बिल्कुल एकदम बारीक पीस लिया है, और अब हम इसमें अपना बॉर्नविटा डाल रहे हैं। और ये जो हमने 1 कप ठंडा दूध लिया था वो हम इसमें ले रहे हैं, इसमें हमने अपना दूध और हमने बॉर्नविटा डाल दिया है। एक बार अब इसे मिक्सी में हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें दूध डालकर एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसमें अपनी मलाई डाल रहे हैं। मलाई डालकर हमने इसमें को धीरे धीरे चलाना है। ये देखिए मलाई इसमें पूरी डल गई है, और अब हम इसे बार बार रोक रोक कर हमने इसको मिक्सी में चलाना है। अगर हम रोकेंगे नहीं तो घी सा निकल जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। ये देखिए ये मैंने मलाई, चीनी, बॉर्नविटा सब कुछ ये पिस गया है, और एकदम ये शेक जैसा लग रहा है। अब हम इसको जमाएंगे। मैं इसको डायरेक्ट एक बार फ्रीजर में ऐसे ही जमा रही हूँ, क्योंकि हम 2 घंटे बाद इसे दोबारा निकालेंगे और मिक्सी को एक बार फिर चलाएंगे। ये प्रोसेस हम 2-2, 3-3 बार करेंगे, हमें 1-1 घंटे के अंदर इसे 3 बार चलाना है। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, और एक बार हम इसे दोबारा मिक्सी में चला रहे हैं। ये देखिए हमने मिक्सी में से एक बार चला लिया है, अब हम इसे दोबारा 2 घंटे के लिए रख रहे हैं, और फिर दोबारा इसे एक बार हम और दोबारा चलाएंगे। ये देखिए हमने अपना जार निकाल लिया है, और ये देखो थोड़ी थोड़ी सी आइसक्रीम इसके अंदर जम गई है हमारी, अब हम इसे चला रहे हैं। ये देखिए हमने मिक्सी में एक बार इसे चला लिया है, और अब हम इसे दोबारा फ्रीजर में रख रहे हैं, और 1 घंटे बाद इसे दोबारा चलाएंगे अब हम। ये देखिए हमने 1 घंटा हो चुका है, और अब हमने दोबारा फ्रीजर में से इसे निकाला है, और अब हम दोबारा इसे मिक्सी में एक बार और ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमने इसे एक बार और पीस लिया है, अब हम इसे जमा रहे हैं बाउल में। ये देखिए हमने इसको बाउल में जो भरा है, अब इसके ऊपर से हम ये ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लगा रहे हैं, सेलोफेन, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, और इसको हम ऐसे ऐसे करके दबाएंगे धीरे धीरे। ये आपको ऐसे ऐसे दबाना जरूर है, और हमारे को आइसक्रीम के उसके ऊपर टच होना चाहिए, इससे आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं आते हैं। और आप इसमें सेलोफेन या फिर ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन या फिर आप फॉइल पेपर कुछ भी आप लगा सकते हैं, और लगाकर ढक के फ्रीजर में रखिए, और इसको हम ढक्कन से ढककर आइसक्रीम में फ्रीजर में से हम जमा देंगे। ये देखिए हमने इसे फ्रीजर में से निकाल लिया है, हमने रात को इसे ओवरनाइट फ्रीजर में रखा था। अब आप ये देखिए कितनी अच्छी जम चुकी है एकदम से क्रीमी। ये फ्रेंड्स मैंने इसे बाउल में डाल लिया है, और ये कितनी क्रीमी है आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और अब आप इसे खाइए और इंजॉय करिए, और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको इसको टेस्ट वाइज आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।